हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर भी करें, कमेंट भी करें। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप भी मेरी तरह बहुत अच्छे होंगे। और सुबह के 7 बज गए हैं और ये टाइम है हमारा। वैसे तो आज प्लानिंग था सुबह सुबह राइडिंग पे जाने का, लेकिन बारिश ने मेरा प्लान चेंज करवा दिया। तो जो डेली रूटीन होता है वो करते हैं। पहले कबूतर को दाना, एक्चुअली स्कूल में बहुत सारे कबूतरों का आश्रय स्थल है, तो हमारे डेली रूटीन में इनको दाना देना शामिल है। परिंदे दाना चुगते हुए, हमें इन परिंदों से सीखना चाहिए कि अनाज की बर्बादी ना करें। जिस प्रकार ये परिंदे एक भी दाना नहीं छोड़ते हैं, उसी प्रकार हम लोग खाने समय ये ध्यान रखें कि अनाज का दाना बर्बाद ना हो। हमारे स्कूल के छत पे एक छोटा सा ट्रेंस गार्डन है। ट्रेंस गार्डन है, बहुत खूबसूरत सा। उसका केयर हम ही करते हैं, कोई स्टाफ नहीं। तो चलते हैं आज उसकी सैर पे। और उस गार्डन की इधर बहुत ज़्यादा ख्याल नहीं रख पाया क्योंकि लॉकडाउन के कारण मैं घर चला गया था। तो जो भी हमारे स्टाफ थे स्कूल परिसर में, वो उतना केयर नहीं कर पाए जितना मैं करता हूँ। तो थोड़ा सा अनमैनेज है, फिर भी बहुत खूबसूरत है। चलिए, यह है हमारा स्कूल गार्डन, स्कूल का टेरेंस गार्डन। अब एक एक करके हम पौधों को दिखाते हैं। इसमें आपको बहुत सारे घास भी दिखेंगे और मैं घास या खरपतवार को बहुत कम निकालता हूँ। जब वो बड़े हो जाते हैं तो उसको काट कर मैं उसका कंपोस्ट बनाता हूँ और फिर उन्हीं को इन गमलों में डालता हूँ। किसी भी तरह का पेस्टिसाइड्स या किसी भी तरह का खाद का प्रयोग नहीं होता है इसमें। घास खरपतवार को डाल देता हूँ, साथ में मिट्टी होती है, वो डिकम्पोस्ट हो जाता है, फिर कंपोस्ट बन जाता है। बहुत सारे कैक्टस, कैक्टस में बहुत खूबसूरत फ्लावर। इस प्रकार के बोगनवेलिया हैं। बोगनवेलिया में अभी फ्लावर कम लगते हैं। सो प्लांट, बहुत सारे गमले सूख भी गए हैं। सूखने का कारण है कि बहुत गर्मी थी कोरोना के समय, जब स्टार्टिंग आया था कोरोना, और हमारे गार्ड साहब थे उन्होंने ढंग से पानी नहीं दिया। अनदर साइड ऑफ माई टेरेंस गार्डन, ये रेन लिली है। इसमें बहुत फूल लगता है बारिश के समय। ये बहुत खूबसूरत सो प्लांट, ये कुछ पौधे जिसे
बोनसाई बनाया जा रहा है। ये देखिए इसके जड़, ये बोनसाई हो चुके हैं, बहुत पुराना है इसका जड़, आप देख सकते हैं। ये नीम है, इसे ही बोनसाई बनाया जाएगा। बरगद, पीपल, सभी पीपल इसमें, कम से कम कुछ पीपल दो दो साल पुराने हैं। ये भी बरगद, पीपल, देखिए ये बहुत पुराना पीपल है, और इससे भी पुराना पीपल ये है, जड़ देख के लग रहा होगा। और ये डेजर्ट रोज, इसको आप बहुत कम केयर करते हुए लगा सकते हैं, इसमें बहुत खूबसूरत फ्लावर्स आते हैं। डेजर्ट रोज, और साथ में इसको एडेनियम भी बोलते हैं। इसमें आप महीनों पानी नहीं देना होता है, ज़्यादा बारिश में इसे सूखने का डर होता है। इसमें भी देखिए कली लगे हुए हैं, बारिश के कारण फूल खराब हो गया है। यही हमारी दुनिया छोटी सी, और बगल में देखिए एक पेड़ है, उसमें मधुमक्खी अपना घर बनाए हुए है। और ये कबूतर मंडली, हियर इज माई शूज कलेक्शन, एंड टुडे आई बियर रेड टेप शूज। आज स्कूल एसोसिएशन का मीटिंग है, उसी मीटिंग में जाने के लिए रेडी हूँ। और एक्चुअली मीटिंग जाने का तो ड्रेस नहीं है, लेकिन स्कूल बंद रहने के कारण उसे चलते हैं कैजुअल में ही। मीटिंग का मुद्दा है कोरोना काल में स्कूल की स्थिति, तो बस चलते हैं, और मीटिंग से आने के बाद फिर इस ब्लॉग को कंप्लीट करेंगे। फाइनली आई रीच्ड माय स्कूल, मीटिंग ख़त्म हो गया, और मीटिंग का पॉइंट यही था कि इस कोरोना काल में छोटे स्कूल कैसे सरवाइव करेंगे, उसी को लेकर मीटिंग था। और सरकार से ये मांग की गई है कि सरकार स्कूलों को हेल्प करे, आर्थिक रूप से कुछ मदद करे, कि जब कोरोना काल ख़त्म हो, स्कूल विद्यालय चालू हो, तो विद्यालय बंद न होकर निर्बाध रूप से चल सके। इसके लिए हम लोग संगठन के लोग सरकार से एक मांग किए हैं। वैसे तो ये टेबल देख के आपको अंदाज हो गया होगा कि आज फिर मैं कोई प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, लेकिन जानकारी के लिए बता दूँ, है तो अनबॉक्सिंग ही। आज जब मैं मीटिंग में गया हुआ था, तो मेरे अनुपस्थिति में ही, मेरे पीछे ही मीटिंग से जैसे ही लौटा, तो दो प्रोडक्ट का डिलीवरी हो चुका था मेरे फ्लैट पे। तो वो दो प्रोडक्ट का मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। एक बाइक में लगने वाला माउंटिंग स्टैंड है, जिस पे कैमरा लगता है। दोनों प्रोडक्ट अमेज़न से आया है। यूज करने पे देखेंगे इसको यूज करके कि कैसा प्रोडक्ट है। कुछ देर में जाके गाड़ी में लगाएंगे। ऐसे तो बिल्ड क्वालिटी ठीक ठाक है, ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा। इसमें हम ऊपर कैमरा भी लगा सकते हैं, और ट्राइपॉड के ऊपर जो रहता है वो लगाने के बाद इस पर मोबाइल भी लगा सकते हैं। फर्स्ट लुक में ठीक है, इसको यूज़ करने के बाद रिव्यू देंगे। और दूसरा प्रोडक्ट है ये है, इसके अंदर पोस्टर्स हैं। एक्चुअली रूम में दीवार का बहुत सारा पार्ट खाली है, तो उसमें सोचे थे कुछ पोस्टर जो हमें इंस्पायर करे अच्छे काम करने के लिए। इसके लिए पोस्टर ऑर्डर किया गया था, वो भी अमेज़न से ही है। मैक्सिमम प्रोडक्ट मेरा अमेज़न से ही ऑर्डर रहता है, क्योंकि जो ज़रूरतें होती है वो
सारी प्रोडक्ट मुझे अमेज़न पे ही मिल पाती है, और भी किसी साइट पे जाते हैं तो मिल नहीं पाती, इसलिए मैक्सिमम प्रोडक्ट मैं अमेज़न से ही ऑर्डर करता हूँ। ये टेप, ये तो बहुत अच्छी बात है, डिस्क्रिप्शन में तो टेप नहीं लिखा हुआ था। थैंक यू अमेज़न। ये रहे पोस्टर्स, 10 पोस्टर्स का बंच है, मैं 1x1 आपको दिखाता हूँ। एक ये है पुश योरसेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। दूसरा है नेवर 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 गिव अप, सॉरी, तीसरा है देयर इज नो सब्स्टिट्यूट हार्ड वर्क, चौथा है द पेन यू फील टुडे इज द स्ट्रेंथ यू फील टुमारो। नाइस कोट। डोंट स्टॉप व्हेन इट हर्ट्स, स्टॉप व्हेन यू आर डन। ये भी बहुत अच्छी लाइन्स हैं। ऑलवेज लुक द ब्राइट साइड ऑफ लाइफ, इसीलिए मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट किया हूँ, क्योंकि कोरोना काल में बहुत टेंशन होता जा रहा था विद्यालय बंद रहने के कारण, तो लगा कि चलिए कोई काम स्टार्ट करते हैं, क्या करें। और वैसे ब्लॉगिंग का बहुत दिन से शौक था तो मैंने स्टार्ट कर दिया। द ओनली पर्सन यू आर डिस्टाइंड टू बिकम इज द पर्सन यू डिसाइड टू बी। अनदर वन, बिलीव यू कैन, यू आर हाफ वे देयर। तो खुद पे विश्वास रखिए और जो अच्छा लगता है वो कार्य करें। इसी तरह से 10 पोस्टर्स हैं और पोस्टर की क्वालिटी ठीक है, नियर अबाउट ये 298 मतलब 300 का है, 10 पोस्टर्स हैं तो मुझे अच्छा लगा था ऑनलाइन, और प्रोडक्ट क्वालिटी भी ठीक है, टेप भी है इसको दीवार में फिक्स करने के लिए, तो इसको लगाएंगे, उसके बाद इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी डालेंगे, और एक बार जब पूरा रूम मेरा रिनोवेट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, देन आफ्टर छोटा सा एक प्यारा सा 1 मिनट या 1.5 मिनट का रूम के चारों तरफ का लुक भी देंगे एक छोटी सी वीडियो डाल के, या फिर ऐसे भी मोस्टली वीडियो मैं अपने रूम में से शूट करता हूँ, अगर यहाँ शूट करता हूँ तो शूट करूँगा तो वो भी देखेंगे ही आप लोग। और इसी के साथ मैं वीडियो एंड करूँगा, और वीडियो एंड करने से पहले एक बात मैं कहना चाहूँगा, आप सपोर्ट करें, हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब, शेयर अगर अच्छा लगता है तो शेयर कर सकते हैं, और अच्छा लग रहा है तो कमेंट कर सकते हैं, और कोई भी सजेशन हो आप सजेशन ज़रूर दें अपने कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।